हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं यूट्यूबर सुधा एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया है। हम लोग आ चुके हैं नए घर में। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा कि कल रात ही हम लोग आए हैं, और आते ही यहाँ शुरू कर दी है अनपैकिंग। तो घर जचेगा तभी तो आराम से रह पाएंगे। तो सबसे पहले किचन ज़रूरी होता है। किचन एक बार सेट हो जाता है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, फिर धीरे धीरे घर सेट होता रहता है। तो यही सोच के मैंने सारा सामान किचन का निकाल दिया है। यहाँ पे देखिए, चावल आटा के कंटेनर्स और ये सब धुल के इनमें चावल आटा भरना है। अभी तो सब बोरियों में ही भर के लाए चावल वगैरह आटा वगैरह। इनको धो के सुखा के इनमें भरेंगे। कार्टन सभी दो बके बचे, इनको नहीं खोला, इनको बाद में खोलेंगे क्योंकि अभी इनमें ज़रूरी सामान तुरंत वाले नहीं है। मिक्सर को यहाँ खोल के लगाना है। और ये देखिए दोस्तों, मैं कल ना जब आ रही थी तो हम लोग अपने बाइक से ही आए हैं, तो मिर्ज़ापुर वाया चुनार होके आए हैं हम लोग। तो चुनार में क्या होता है ना, चीनी मिट्टी की बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी बनी हुई बहुत सारी। तो मैंने यहाँ पे बरनी खरीदी है चीनी मिट्टी की। चुनार में बहुत सारी शॉप दिख रही थी तो मैंने एक शॉप पे रुक करके वहाँ पे देखा, तो मुझे छोटी छोटी बरनी बहुत पसंद आई। तो ये मैंने लिया है डेली यूज़ के अचार को रखने के लिए। जैसे हम एक बड़ा कंटेनर में अचार होता है और एक छोटे कंटेनर में रखते हैं ना, कहते हैं अचार में मतलब जूठा कूठा करो या बिना नहाए छुओ तो वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा छोटे कंटेनर में डेली के लिए रख लेते हैं ताकि हम लोग खाते वक्त भी ले सके इसको, तो कोई इसमें ऐसा ना रहे। इसलिए ये सोच के मैंने ये तीन कंटेनर लिए हैं, क्योंकि मेरे पास अभी तीन तरह के ही अचार हैं। एक आम का है, आंवले का है और कैती का है। तो मैंने तीनों के लिए ये लिए हैं। और ये जो देख रहे हैं आप वाइट वाले, ये 40 रुपये के मुझे मिले हैं, 40 का एक। और ब्राउन वाला जो है वो 30 रुपये का एक है। तो मैंने यहाँ पे तीन की ज़रूरत थी, मुझे तीन ले लिया। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी चीनी मिट्टी की वहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ही लिया जितना मैं आराम से इसको ले जा सकूँ, क्योंकि ले जाने में भी दिक्कत होती है ना, इसको टूटने फूटने का डर रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से कितने अच्छे लग रहे, प्यारे लग रहे अचार रखने के लिए। ये इनमें अचार रखो तो अचार मतलब कंटेनर्स में क्या होता है ना, उसका कलर भी लग जाता है अचार का और स्मेल भी रह जाती है कंटेनर्स में, पर इनको धुल जो तो एकदम साफ हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको ले लिया था। और ये सारे कंटेनर्स अभी धुलना है, किचन के सारे बर्तन अभी धुलने हैं, सब सेट करना है मुझे। तो चलिए इसको करूँगी। और यहाँ पे देखिए, दूध उबाल दिया था कल रात में ही और अभी दूध दे दिया ध्रुवी को पीने के लिए। और लंच बना रही हूँ क्योंकि पांडे जी को ऑफिस भी जाना है, तो खा के तो दाल चढ़ा दिया है, चावल बनाऊंगी। कहते हैं कि पहली बार कुछ मीठा बनाना चाहिए या दूध उबालना चाहिए, तो मीठा तो बन नहीं क्योंकि सारी सामान पैक था हमारा, तो रात में हमने कल दूध ही उबाल लिया था। और इस तरह से सारी सेटिंग चल रही है हमारी। यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है और ध्रुवी की साइकिल है। यहाँ पे काफ़ी स्पेस भी है, ध्रुवी अपना साइकिल यहाँ अंदर भी चला सकती है, बाहर साइड भी खुला एरिया है वहाँ भी चला सकती है। और यहाँ पे बेडरूम में हमारे देखिए सारी चीज़ें अभी जचाना बाकी है। और यहाँ पे हमारा लॉन्ड्री एरिया दिया हुआ है, तो मैंने अपनी मशीन यहाँ रख ली है और सारे कपड़े जितने भी गंदे निकले, पांडे जी की भी जी है यहाँ, पहले से जो कपड़े थे गंदे वो सारे भिगो दिए मैंने और धुलने के लिए कर दिया है। हाथ से ही धुलना पड़ेगा क्योंकि मशीन मेरी ख़राब हो चुकी है, सारा पानी अपने आप ही ड्रेन हुए जा रहा है उसमें, तो उसको भी बनवाना पड़ेगा। और फ्रिज भी क्लीनिंग करनी है, फ्रिज की भी बस ऐसे रख दिया इस जगह पे लाके, भी क्लीनिंग करके लगाना है। फिलहाल किचन की मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली है, कंटेनर्स को अभी ऐसे ही रख दिया है क्योंकि आराम से धुलूंगी। इतना सारा करते करते मेरे को शाम हो जाती और बाकी काम भी थे, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, एक दिन ही करेंगे तो फिर थक जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी। इसलिए मैंने सिर्फ बर्तन का किया है, सारे बर्तन धो के लगा लिए खाना बनाने के लायक, काम करने के लायक। बाकी कंटेनर्स धीरे धीरे यूज़ धोती जाऊंगी और उनको फिर लगाती जाऊंगी अच्छे से। और यहाँ पे भी देखिए, नीचे भी पड़े हैं, ऊपर पड़े हैं, बहुत सारे कंटेनर्स हैं, उनको सबको धोना है, फ्रिज को भी साफ़ करना है दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ नए घर में मेरी अनपैकिंग चल रही है। बहुत सारा काम है, थका देने वाला सारा काम होता है, शिफ्टिंग का, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना। और हमारे यहाँ देखिए मंदिर को भी मैंने सेट कर दिया है क्योंकि भगवान जी की पूजा भी शुरू हो जानी चाहिए, हम लोग आ गए हैं तो। और यहाँ पे पांडे जी का पिछले रूम से जो भी सामान लेके आए हैं वो सब है, तो सब अभी ऑर्गेनाइज़ करना है। और ये अच्छा था कि क्लीनिंग नहीं करनी थी यहाँ पे, मतलब एकदम न्यू घर बना हुआ है ना, तो एकदम साफ़ सुथरा ही है, बस एक बार धो पोछो और चीज़ें लगाओ, बहुत सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि ऐसे घर में जाते हैं पहले से जो यूज्ड घर होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि पहले एक बार जाके सफाई में ही लगना पड़ता है, तो वो चीज़ें यहाँ नहीं थी और सफाई तो हुई पड़ी है, बस ऑर्गेनाइज़ करनी है चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अनपैक करके और ऑर्गेनाइज़ करनी है। फ़िलहाल कंटेनर वगैरह मैंने धो दिए सारे आटा चावल रखने के लिए। इस तरीके से हमारा सारा चल रहा है घर का काम। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में।
हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सुधा स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो दोस्तों, अभी हो रही है शाम के 5:30 बजे का टाइम और मैं बैठी हूँ द्रुही के साथ और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं नमकीन। पर वो कौन सा नमकीन है? पंचरत्न। द्रुही एंजॉय कर रही है और मैं कर रही हूँ ये वाला। तो अभी हम लोग शाम को सो के हल्का सा अभी उठे हैं ना, मतलब 2-2.5 बजे के बाद मेरा काम खत्म हुआ है। मतलब अभी भी पूरी तरीके से काम खत्म नहीं हुआ, कुछ चीजें करी फिर मेरी कमर बहुत भयंकर दर्द होने लग गई। मतलब मेरे को जब से थायराइड का प्रॉब्लम है ना, मेरे को थकान इतनी जल्दी लगती है थोड़ा काम करने के बाद में। फिर भी मैंने अपनी औकात से बाहर काम किया है, आज इतना सारा काम किया है, किचन पूरा जचाया है। फिर भी किचन के डब्बे अभी क्लीन करने के बाकी हैं बाहर बाहर से, तो उनको करूंगी आराम से धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ जान नहीं देना है मुझको। कपड़े धोए पांडे जी के सारे इतने दिनों से उन्होंने, वो इस तरीके से धीरे धीरे चीजें ऑर्गेनाइज होंगी। क्या जल्दी है, अभी फिलहाल पांडे जी बोल रहे हैं कि आ रहा हूँ तो तुम लोग को शाम को कहीं घूमना है, तो चलो घुमा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जाएंगे शाम को घूमने, तो देखते हैं कि हम कहाँ घूमने जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, किस सिटी में आए हैं। अगर नहीं किया है तो चलिए मैं बता ही देती हूँ कि हम लोग आए हैं विश्वनाथ बाबा की नगरी में, काशी विश्वनाथ की नगरी में आए हैं हम लोग। और हम लोग हैं काशी यानी वाराणसी में, बनारस में हैं हम लोग इस समय। और शाम को हम लोग वहीं जा रहे हैं दर्शन करने। पांडे जी बोले चलो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करा देता हूँ तुमको, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। पहला दिन है यहाँ नए शहर नई सिटी में, तो भगवान के दर्शन कर लेते हैं पहले दिन की शुरुआत से। और फिर अपना टाइम मिलता रहेगा तो जाते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे, आज तो कर ही लेते हैं। तो देखिए पांडे जी अगर टाइम से आ जाते हैं तो हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करेंगे, और हो सका कैमरा अलाउ हुआ तो आप लोगों को भी कराएंगे। और शाम का टाइम है तो घाट वगैरह का व्यू दिखा पाऊंगे कि नहीं पता नहीं, अगर लाइटिंग वगैरह होगी घाट पे अच्छा तो वहां घाट का भी व्यू दिखा दूंगी आप लोगों को, और बनारस की सैर करा दूंगी। तो इधर मत देखिए, इधर सब कबाड़ा पड़ा हुआ है अभी। औघड़ खेले मसाने में। तो दोस्तों, ये जब होली के पहले से ही पांडे जी यानी कि जनवरी से ही पांडे जी वाराणसी में हैं, वो अपना अलग रूम लेके लॉज में रहते थे और अपना यहीं से वीकली अप डाउन करके जॉब करते थे अपना। और हम लोगों को फाइनली अभी उन्होंने शिफ्ट कर लिया है तो अब यहीं रहेंगे। तो हम लोग तब से यही गाना गा रहे हैं ना द्रुही। हाँ। हम लोग को होली के टाइम से ये गाना बड़ा अच्छा लग गया है। ये गाना बहुत फेमस वो भी हुआ है होली वाला, काशी में खेले घाट पे खेले औगढ़ खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, है ना मम्मी। और जब मैं वहां पे रहा कर